साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का सोल्जर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी तैयारी को देता है फाइनल टच। और आज हमारे बीच में है राम प्रताप सर, जो कि मैथ के एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं और सोल्जर डिफेंस एकेडमी में काफी समय से मैथ के डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि मैथ में जिस प्रकार से बच्चे इतना डरे हुए होते हैं, तो किस प्रकार से मैथ का सोल्यूशन आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं कि बच्चे इजिली अपना एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो, वो इजिली क्रैक कर सकें। जी, सबसे पहले तो सोल्जर डिफेंस एकेडमी परिवार को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं राम प्रताप मौर्य यहाँ पर मैथ फैकल्टी एज अ मैथ फैकल्टी यहाँ पर हूँ जी। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एनडीए के एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं जी। और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और टाइम आपको 2.5 घंटे ही मिलता है, तो इसलिए और बच्चे इतना टाइम में सारे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रेटजी के साथ हमको चलना पड़ेगा, तभी हम लोग कि एक क्वालिफाइंग मार्क जितना हमको चाहिए उतना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी ये रहती है कि स्किल ऑफ स्किपिंग आनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि 120 क्वेश्चन में क्या स्किप करना है, क्या लगाना है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ टाइम कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं और कुछ टाइम होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आजकल पैटर्न ये है कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, उनमें क्या होता है कि बस तुरंत पढ़िए और टिक मार दीजिए। तो बच्चों को ये सबसे पहले समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन को मतलब ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन कम टाइम ले रहा है उसको पहले आप सॉल्व कीजिए, और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको आप स्किप कर दीजिए, उस पर आप बिल्कुल टाइम मत दीजिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं। 120 क्वेश्चन हैं, आपको लेना है उससे 70-80 क्वेश्चन ही करना है। आप आराम से अगर 20 क्वेश्चन स्किप कर दे रहे हैं जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आराम से, कोई टेंशन नहीं, एकदम से फ्री माइंड रहिए, लोड मत लीजिए, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं और हम लोग यही आप सिखाते हैं, पूरे ड्यूरेशन यही सिखाते हैं बच्चों को कैसे सवाल को ट्रैक करना है, कैसे करना है। यानी कि आप मैथ को आप लोग सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं? हाँ, सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं आप लोग? नहीं, बच्चा तो खुद ही पढ़ लेगा। मतलब आप उनको यहाँ हमारे यहाँ, यानी कि सर की खासियत ये है कि सर मैथ पढ़ाते नहीं है, ये मैथ को सिखाते हैं। जिस प्रकार से स्टूडेंट जाकर के अलग अलग चीजें सीखता है, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे कार चलाना हो या कंप्यूटर चलाना हो, सीखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से आप मैथ को जी सिखाते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चा जब आता है तो ये सोच के आता है कि मैथ मतलब सेट ऑफ फार्मूला, सिर्फ फार्मूले हैं, उन्हीं को पढ़ के निकाल, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो बच्चा नहीं समझ पाता है कि कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो फार्मूले से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलना पड़ेगा। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फार्मूला केवल याद कर लेने से आपका रिजल्ट नहीं क्लियर होने वाला है। यानी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और उन सारे कॉन्सेप्ट का एक पूरा का पूरा एक कहिए कि बना करके बैंक आपके बीच में, हमारे बीच राम प्रताप सर आपको वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आप आसानी से अपने जो आपका मंजिल है, यानी कि आपका अगर मंजिल एनडीए है और चाहे आपका मंजिल आपकी एयरफोर्स है, तो उस मंजिल तक आप लोग आसानी से बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए आप वहाँ पर ईजिली पहुंच सकते हैं, जिससे आपका कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के इस यूट्यूब सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।